और जान मारा। क्या यहाँ पर नेपाल की टीम आएगी साउथ एशिया में या फिर इंडियन टीम अपना डोमिनेशन दिखाएंगी, वो एक बहुत बड़ा सवाल इस पर्टिकुलर टाइम हो सकता है। इट्स बिटवीन TSM वर्सेस टीम जान मारा, एक नेपाली टीम वर्सेस इंडियन प्राइड, देखते हैं क्या होगा। बिकॉज अभी तक ट्रस्ट में मैं यही सोच रहा था कि भाई नेपाली टीम को मैं अभी अंडररेटेड समझ रहा था, बिकॉज इनके सामने क्या करेंगे, बट यस दे हैव प्रूवन देमसेल्फ कि भाई हमको आप कुछ किल एक है डजंट मैटर, बट वो टॉप टू में खड़ी, अगर उन्होंने ये क्लच निकाल लिया देन दे विल बी पांच के लेके गई है टीम फिनाटिक, तो फिनाटिक ले काफी अच्छे स्कोर था, बट यस TSM ऑलरेडी चारों पे जिंदा है और वहीं पे कार 98 का पट से हेडशॉट आता है, क्लच गॉड को उड़ाया यहाँ पे नमन माथुरे के मॉर्टल ने एंड काफी क्लीन शॉट था, क्लच गॉड को बिल्कुल भी मौका नहीं मिला यहाँ पे रिट्रीट करने का, बट एज आई ऑलवेज से घातक ने बोला था अगर क्रैट भाई कोई प्लेयर नॉक तो उनको देखना पड़ेगा सर्कल में रोटेशन कितनी जल्दी वो दे सकते हैं, मॉर्टल डाउन पड़े हैं वहां पर तो उनको भी रिवाइव इस टाइम देना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, सांगवान रुक चुके हैं, दिक्कत हो सकती है इनके लिए, अमन की हेल्थ काफी ज्यादा कम है, फर्स्ट चेल लगानी पड़ेगी लेकिन यहाँ पर रिगल टॉस भी डाउन हो सकते हैं, इसके बाद अमन अकेली होप बचते हैं यहाँ पर सोल के लिए इस गेम में, अदरवाइज TSM बहुत प्यारे तरीके से गेम निकाल सकते हैं, रिगल टॉस को वहां पर फिनिश किया गया, सोल अमन बाहर से रोटेशन दे रहे हैं एंड स्नैक्स आप देख सकते हो घर के अंदर है, किसी भी तरीके से फाइट हो सकती है, TSM जी गॉड ऊपर की साइड स्नैक्स नीचे की किसके हाथ में किल आएगा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है, अमन जस्ट बेली सर्वाइव करते हुए इस फाइट में बट उनको पता उनके ओपोनेंट्स कहां पर हैं, एक अच्छा ग्रेनेड किसी भी साइड से गेम को पलट सकता है, अमन एक डायरेक्शन में देख रहे हैं क्या वो यहां पर प्लेस को फिनिश कर पाएंगे, यस वो फिनिश कर देते हैं लेकिन वो जाएंगे ग्रेनेड से और सी गॉड के हाथ में प्यारा सा किल। एग्जैक्टली यहाँ पे टीम 16 मिनट होती है यहाँ पे छठे अंक पर, उनके पास दो किल्स थे बट INT मेरे ख्याल से काफी बड़ा सेटबैक ले चुकी है, क्योंकि गाड़ी से रोटेट करना चाहते थे बट गाड़ी को पूरा बस डाउन कर दिया यहाँ पे अकेले टीम INT के, स्नैक्स बचे और उनके सामने वाले वॉच टावर पे टीम 15 जैन मारा है और उस कंपाउंड में छुपी है इस वक्त सर्वर की सबसे लीथल टीम, टीम TSM एंटिटी क्लच गॉड जी गॉड नियो बचे हैं, जोनाथन थोड़ा सा पीछे, इन्होंने अभी भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है एंड दिस इज अ फाइनेस्ट एडवाइजर्स जो स्ट्रैटेजी है, बिकॉज अगर आप एक ही घर में रहते हैं और अगर एक बढ़िया सा नेड आ जाए देन सब कुछ बदल जाता है, और इसी के साथ जो टीम INT है वो एलिमिनेट होती है पांचवें अंक पे और पांच किल्स भी हैं, ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। अब ये देखिए चिकन डिनर मिस हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं, INT पीपल विल बी सेलिब्रेटिंग राइट नाउ बिकॉज उनकी स्टार्ट यही होती है, जोनाथन एक और नॉक दिया यहाँ पर HB को नॉकआउट किया और स्ट्राइकर ने किल चुरा लिया खत्म करके उनको, सो बनाया खाना किसी और ने खाया किसी और ने, बट नेवर माइंड अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी TSM को बिकॉज उनका जो फोकस है वो 20 अंक पर है, वो 20 पॉइंट्स चाहिए उनको किल्स के साथ तभी जाकर शुरुआत होगी बिल्कुल जोरदार, लेकिन ये उनको और ज्यादा एंग्री कर सकता है अगर कुछ बोलना चाहें क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर किल चोरी हुआ है तो ऑब्वियसली वो जाएंगे और फाइट्स लेने के लिए, मिस्टर स्प्रे के लिए मिस्टर स्प्रे को ये देखना पड़ेगा कब उनके किल्स यहाँ पर चोरी नहीं हो सकते बिकॉज यहाँ पर जिन्होंने भी किल्स चोरी किए अब तो बस खत्म करने की बारी आ चुकी है, जी गॉड ने काम कर दिया, रोज को सर्कल के अंदर जाना है थोड़ा सा, उन सर्कल के अंदर आने के लिए उनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, उनके पास फर्स्ट एड्स नहीं बचती है, क्या वो आगे आ पाएंगे, नहीं प्ले जोन उनको लेकर जाएगा, VSG क्रॉलर्स का खात्मा होता है, चौथी पोजिशन पर तीन टीम्स बचती हैं देवी और सचिनों, TSM एंटिटी रेवन और जान मारा, क्या यहां पर नेपाल की टीम आएगी साउथ एशिया में या फिर इंडियन टीम्स अपना डोमिनेशन दिखाएंगी, वो एक बहुत बड़ा सवाल इस पर्टिकुलर टाइम हो सकता है, लेकिन ये तीन टीम्स आठ लोग एक चिकन डिनर के लिए इस टाइम फाइट ले रहे हैं, एक एयर ड्रॉप भी इनके पास आ चुका है लेकिन एयर ड्रॉप से इस समय सबसे महत्वपूर्ण होगा इनके लिए उठाना लेवल 3 हेलमेट और लेवल 3 वेस्ट क्योंकि वो आपको बचा सकते हैं अगर आपकी स्ट्रेटजीज आपके काम में नहीं आ पा रही है उस पर्टिकुलर, लेकिन TSM एंटिटी बहुत प्यारा इनका इस टाइम कंपोजर है, दो प्लेयर्स एक घर में, दो प्लेयर्स दूसरे घर में, मेरे को लगता है चिकन डिनर शायद और शायद इनका हो सकता है। TPP की गेम के अंदर ये रूल होता है कि अगर आप पे थोड़ा सा भी किस्मत मेहरबान रहा और आपने उस किस्मत का फायदा उठाया देन चिकन डिनर आपसे कोई भी नहीं छीन सकता है, सर्कल उनके फेवर में कट रहा है, वो किल जो किल डिपार्टमेंट है उसमें बिल्कुल भी हारने का नाम नहीं ले रहे, तो चिकन डिनर भी मेरे हिसाब से हाई चांसेस है कि इस वक्त TSM के चांसेस बहुत ज्यादा है, बिकॉज एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल चार प्लेयर जिंदा है यहाँ पर, अकेले बचे थे टीम टेमिलास के, उनको इंस्टेंटली क्लोज रेंज में कह के क्लच गॉड ने यूजी से शिकार बनाया, तीसरे अंक पर निकलते हैं यहाँ पर तीसरे पोजीशन पे टीम टेमिलास, बट पॉइंट अपनी टीम के काफी अच्छे इकट्ठे करके जा चुके हैं, अब जो असली जंग है इट्स बिटवीन TSM वर्सेस टीम जान मारा, एक नेपाली टीम वर्सेस इंडियन प्राइड, देखते हैं क्या होगा, बिकॉज अभी तक ट्रस्ट में मैं यही सोच रहा था कि भाई नेपाली टीम को मैं अभी अंडररेटेड समझ रहा था बिकॉज इनके सामने क्या करेंगे, बट यस दे हैव प्रूवन देमसेल्फ कि भाई हमको आप कुछ
किल एक है, डजंट मैटर, बट वो टॉप टू में खड़ी, अगर उन्होंने ये क्लच निकाल लिया देन दे विल बी अर्निंग सम ह्यूज रिस्पेक्ट फ्रॉम दिस क्राउड. और निकालना शुरू कर चुके, आप देख सकते हो गनर ने वहां पर सीकॉट को डाउन कर दिया, उनको लेकर आ चुके 3v3 की फाइट में, जो पहले 3v4 की फाइट थी. अब गनर को देखना पड़ेगा या तो वो किल को कंफर्म करें या फिर वो किसी तरीके से रश इन करें, लेकिन रश इन करेंगे उस घर में तो सिर्फ क्लच गॉड से उनकी फाइट होगी. दूसरी साइड नियो और जोनाथन हो सकते हैं. सर्कल में टीम्स हैं, सर्कल में फाइट है, एक्सट्रीम बाहर की तरफ आते हैं एंड गनर को डाउन किया यहां पर नियो ने, और वैसे दूसरी साइड से जोनाथन ने गनर को पूरा पूरा फिनिश किया. तो मेरे ख्याल से अब नंबर्स गेम में, नंबर्स एडवांटेज में वापस से टीएसएम आती हुई, क्लच गॉड आगे मूव कर रहे, एक्सट्रीम एकदम उनके सामने आ चुके हैं, एक्सट्रीम को थोड़े से शॉट्स दिए गए, जंप शॉट्स आते हुए एक्सट्रीम अगर खत्म होते हैं तो पूरी की पूरी गेम यहां पर टीएसएम एंटिटी के पास आ सकती है. लेकिन क्लच गॉड को डाउन किया, एक्सट्रीम भी डाउन होते हैं. सोनिम ग्रोजा 40 गोलियां इस ग्रोजा की, पूरा गेम या तो बदल सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं. अब सोनिम को देखना, अति बुरी सिचुएशन है जिसके अंदर कोई भी प्लेयर अपने आप को नहीं इमेजिन करे तो बेटर रहेगा. इट्स अ 1v4 सिचुएशन, सामने चार शैतान है जो बस अपने पहले चिकन डिनर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और रुकने का नाम नहीं लेंगे. वो किसी दिन भी रश करेंगे, उन्होंने रश इन कर लिया और आखिरी में जेन मैरा पे करेंगे. दे वांटेड टू डू पैन, दिस इज नॉट अ ग्रेट थिंग टू डू, बट यस दे हैव डन इट. सो चिल, ये दे आर सो हैप्पी, दस सी दैट मोमेंट ऑफ एंजॉय. जेड गॉड एवरीवन, जोनाथन काफी खुश थे. आज हमने इनकी वीडियो भी देखी किस तरीके से घातक ने बोला गाड़ी निकाल चलते हैं पोचिंग की. मैनेजर का सपोर्ट आता है, अभी हमें फ्रेम में चार लोग दिख रहे हैं. ट्रस्ट मी, इस कैमरे के पीछे कम से कम 3 से 4 लोग बैठे हैं जो एंजॉय करेंगे. यस, इस टीम पे हमने भरोसा दिखाया और यस गेम नंबर 1 में इस टीम ने Tell me, tell me, tell me pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me.